हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस मौर्य आर एम मोटर्स, और आज हम बात करेंगे ऑक्सवाइगन वेंटो पोलो, जो सर्विस करने के बाद मीटर बोर्ड में स्पाइनर लाइट आती है और उसको मैनुअल कैसे रीसेट करें। तो फ्रेंड्स, आज हम वो लाइट के बारे में बात करेंगे। ऑक्सवाइगन वेंटो है, पोलो है, कोई सा भी गाड़ी को अपन मैनुअली रीसेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो, मैं चाबी ऑफ करके ऑन करता हूँ तो एक स्पाइनर लाइट बता रहा मीटर में। और ये लाइट रीसेट करने के लिए सबसे पहले तो अपन चाबी ऑफ कर देना पड़ेगा। चाबी ऑफ कर दिए तो चाबी ऑफ करना, और ये शेड बटन दिख रहा है आपको, ये चाबी देख सकते हैं आप, मैं चाबी निकाल दिया हूँ इसका। और सबसे पहले अपन ये शेड बटन है ना, ये शेड बटन को दबाना, दबा के पकड़ना और चाबी ऑन करना। सेम ऐसी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले आप देख सकते हैं हमने चाबी निकाल दिया इसका, और उसके बाद ये शेड बटन है ना, इसको ऐसा दबा के पकड़ना और चाबी ऑन कर देना। अभी हमने चाबी ऑन कर दिया है, उसके बाद जस्ट ये वाली बटन प्रेस कर देना। आप देख सकते हैं लाइट चले गया है। और अभी मैं फिर से चाबी ऑफ करता हूं और ऑन करता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं स्पाइनर लाइट चले गया इसका। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसा अपने सेकेंडों में ये लाइट रीसेट कर सकते हैं। वो इसी चीज़ को अपन अगर स्कैनर कुछ लगाए तो उसका कितना चार्जेस लेते हैं वो लोग। तो अपन मैकेनिकल भाई लोग को बहुत काम में आने वाली है ये वीडियो, देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।